एग्जाम्पल 5.9 इंपॉर्टेंट है, फिगर दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. यू कैन सी दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. पहले क्वेश्चन में बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोज इन अ फिगर. यहाँ पे दिया हुआ है इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शंस बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस मीन्स यहाँ पे ट्रॉली एंड द सरफेस का जो कोएफिशिएंट्स दिया म्यू विच इज 0.04. What is the tension in a string? T is equal to question mark. Okay, and where the G is equal to, we should have to take what? 10 meter per second square. अभी यहाँ पे according to the figure ये block इस direction में accelerate हो रहा है. एक चीज common चीज याद रखिएगा, जिस directions में acceleration हो रहा है वो direction हमें positive लेनी है. कैसे मैं दिखाता हूँ. अभी हमें पता है downward में क्या लगेगा mg और उसके opposite में जो force लगेगा वो है T, टेंशन फोर्स T. ठीक है, तो हमें यहाँ पे mg डाउनवर्ड में ले रहा है आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. जो mg इस डायरेक्शन में आ रहा है तो mg हमारा हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, और उसके अपोजिट में क्या है, उसके अपोजिट में टेंशन फोर्स है तो उसे माइनस करके लिख दीजिए अपोजिट. वापस बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शंस में आ रहा है वो हमें पॉजिटिव लेना है. यहाँ mg डायरेक्शंस में रहता है mg पॉजिटिव, उसके अपोजिट में माइनस टी इज इक्वल टू एम ए कंपल्सरी लिखना है. ओके यहाँ पे मास क्या है 3 G10 माइनस 3 इज इक्वल टू 3a. सो ये होगा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a. दिस इज एन इक्वेशन 1 फॉर द फर्स्ट केस. ओके नाउ अभी डाउनवर्ड में इस तरह से आ रहा है तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा. अब ट्रॉली का डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में रहेगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. सो मैं इसे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के दिखा रहा हूँ और स्ट्रिंग पे जो लगेगा वो होगा टी. वापस जिस डायरेक्शंस में जा रहा है वही डायरेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा. तो जिस डायरेक्शंस में जा रहा है ये डायरेक्शंस में, तो डायरेक्शंस में क्या है टेंशन फोर्स है तो टेंशन फोर्स वुड बी पॉजिटिव. उसके अपोजिट में क्या है फ्रिक्शन फोर्स एफ के और यहाँ कंपल्सरी हमें एम ए लिखना ही है. लेकिन एफ के क्या हो जाएगा आप समझिए, एफ के इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन और आर. आप कुछ भी लिख सकते हो. एन मीन्स व्हाट, यहाँ से एम जी और इसके परपेंडिकुलर एन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एस एम जी. तो वही चीज़ यहाँ पे लगा लेते हैं टी म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम ए. चलो यहाँ टी हमें पता नहीं है, म्यू एस हमारा है 0.04, यहाँ पर मास हमारा 20 kg है इंटू 10, यहाँ पर भी 20 इंटू ए. टी ये 4/100 लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 00 है. 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ए. ये 2 0 यहाँ कैंसिल आउट तो 4 2 8 इज इक्वल टू 20 ए. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सिंपल है. अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. चलो तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए क्या करना है, एडिंग 1 + 2. चलो ऐड करेंगे तो एडिंग में कैसे लिखेंगे देखिए. चलो पहला इक्वेशन क्या है 30 माइनस टी ये वाला और यहाँ पे क्या है प्लस टी माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 3a + 20a. टी विल बी कैंसल आउट 30 - 8 विच इज़ 22 और ये 23a. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. डिफाइन क्या करना है हमें, टेंशन भी डिफाइन करना. पहला आंसर हमारे यहाँ आ गया. अब कोई भी इक्वेशन में लगा लो. चलो मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1. Now in 1 we have 30 minus t is equal to 3. एक ही जगह क्या लगाएंगे, एक ही जगह हम लोग लगाने वाला है 22/23. ओके t को इधर लेके आइए तो 30 ये टर्म इधर आ जाएगी 66/23 इज इक्वल टू t. चलो कैलकुलेशन हमें करना है, करें साइड में. चलो कर ही लेते 66 और ये 23 तो 23 × 46 आ जाएगा और ये होगा 20. अब 20 तो ये में आएगा नहीं तो हमें क्या लेना है पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ एक और ज़ीरो लगा ले तो 23 के टेबल में 200 के नज़दीक कौन सा आएगा? 23 8 जा करोगे ना तो वो आएगा हमारा 184। तो मैं यहाँ 8 जा 184 आ गया 16। अब 16 भी यहाँ नहीं लगा सकते और एक और ज़ीरो ले लीजिए। अब यहाँ 23 6 जा ट्राई करते हैं तो 23 6 3 18 12 38 138। तो यहाँ पे 6 जा 138 और ये चलता रहेगा। हम इसे अभी ये राउंड ऑफ करके यही वैल्यू हम लोग लगा लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 30 माइनस 2.86 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू 30 माइनस 2.86 लगाइए तो पहले तो 27 आ जाएगा पॉइंट, ये 14 16 86 माइनस 14 क्योंकि 86 है ना तो 14 न्यूटन। चेक कर लीजिएगा एक और बार, वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा मेरा कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग, आप लोग को वेरीफाई करना। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।